सहारनपुर के देवबंद में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली पुंडीर ने देवबंद इलाके के एक शिव मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इतना ही नहीं, राव मुशर्रफ अली ने जलाभिषेक के अलावा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर राव मुशर्रफ ने कहा कि जल्द ही भगवान भोलेनाथ उन्हें वाराणसी बनाएंगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार देवबंद के शिव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे राव मुशर्रफ अली पुंडीर इस्लाम के खिलाफ गतिविधियां करके अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने शिव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर हिंदू मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। एक तरफ जहां हिंदू संगठन इसकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं इस्लाम से जुड़े लोग इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। राव मुशर्रफ अली पुंडीर ने जलाभिषेक करने के बाद कहा कि भगवान शिव भोलेनाथ की हम सब पर कृपा बनी रहे। हमने अपने पूर्वजों की परंपराओं और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमने जलाभिषेक किया है। भगवान भोलेनाथ में उनकी आस्था है। जल्द ही भगवान भोलेनाथ हमें वाराणसी बुलाएंगे तो वे वहाँ भी भोले बाबा का जलाभिषेक करेंगे। हमने देखिए जलाभिषेक किया है शिवलिंग पर, हम सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और अपने धर्म का और सभी धर्म के सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। और हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा और शांति बनी रहे। हमारे पूर्वज भी जो है वो जलाभिषेक किया करते थे। अपनी पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने जलाभिषेक किया है और जल्द ही हमें भोलेनाथ वाराणसी के अंदर बुलाएंगे। हम वाराणसी के अंदर भी जो है जाकर के ज्ञान वापी में शिवलिंग पर जलाभिषेक कियाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हमें जरूर वाराणसी बुलाएंगे। जय हिंद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।